हम स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आज का हमारा टॉपिक जो है ब्रिटिश टेक्सटाइल इन इंडिया है। ठीक है, तो जिस तरह से हम ने पहले टॉपिक में पढ़ा कि जो इंडियन कॉटन एंड सिल्क जो था वो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में डोमिनेंट था। ठीक है, लेकिन जब 17th सेंचुरी के जो है आखिर में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो इंग्लैंड में शुरू हुई, ठीक, वहाँ पे अब मशीन के ज़रिए जो है बहुत सारी चीज़ें जो है गुड्स जो तैयार होने लगी। ठीक है, तो अब उनको दिक्कत जो आ रही थी वो इंडियन गुड्स की वजह से आ रही थी, क्योंकि उनकी जो है वो डिमांड जो है इंटरनेशनल मार्केट में नहीं थी। ठीक है, अब क्या किया, जो ब्रिटिश जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनने ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है प्रेशराइज किया कि वो इम्पोज ड्यूटीज़ लगा दें कॉटन टेक्सटाइल जो इंडिया से आता है। ठीक है, ताकि जो मैनचेस्टर जो है ये कंपनी जो है इंग्लैंड में है उसकी जो गुड्स हैं वो बिक सके ब्रिटेन में। ठीक है, विदाउट एनी आउटसाइड कंपटीशन, यानी कि जो उनको जब बाहर से इंडिया से जो फाइन क्वालिटीज़ में जो गुड्स एंड कॉटन जाता था, ठीक है, जो सिल्क एंड कॉटन जाता था, ठीक है, उसकी काफ़ी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड थी। ठीक है, और जो मैनचेस्टर गुड जो थी जो मशीन से बनाए जाते थे, ठीक है, उसकी उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी। ठीक है, और वो इंडियन जो कॉटन एंड सिल्क के साथ कंपटीशन नहीं कर सकता। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया ताकि वो इसके ऊपर जो है बैन लगा दें ताकि इंडिया से कोई भी जो हैंड वीविंग जो है चीज़ें ब्रिटेन में ना आ सकें। ठीक है, दूसरा क्या किया, जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन्होंने जो है माइल किया ईस्ट इंडिया कंपनी को ताकि वो भी जो मैनचेस्टर गुड्स हैं वो इंडियन मार्केट में इसको बेचें। ठीक है, और तीसरा क्या हुआ, जो एक्सपोर्ट जो था गुड्स जो है वो बढ़ गया 19th सेंचुरी में। कहाँ, जो एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश कॉटन गुड्स जो है वो बढ़ गया 19th सेंचुरी में, यानी कि जो ब्रिटेन में जो मैनचेस्टर गुड्स जो तैयार होती थी मशीन से अब उसका एक्सपोर्ट जो है 19th सेंचुरी में बढ़ गया, यानी कि पूरे इंडिया में भी और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में भी अब ये मैनचेस्टर गुड्स जो है वो बेचने लगे। ठीक है, और क्या हुआ, द एक्सपोर्ट मार्केट ऑफ इंडियन कॉटन वीवर्स कोलैप्स। अब जो इंडिया में जो वीवर्स होते थे जो कॉटन को हैंड वीविंग से तैयार करते थे और इंटरनेशनल मार्केट में बेचते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता से जब जो है मैनचेस्टर जो कंपनी जो है एस्टेब्लिश हुई, ठीक है, जब मशीन से अब जो है कॉटन जो कपड़े वगैरह तैयार होने लगे तो अब इंडियंस वेवर्स जो है वो कोलैप्स होने लगा। ठीक है, और जो लोकल मार्केट जो है वो श्रैंक हो गई। ठीक है, और इस तरह से इंडिया में जो है मैनचेस्टर गुड्स की जो है भरमार हुई। ठीक है, यानी कि अब इंडिया में भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने मैनचेस्टर गुड्स को इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया, इंडिया में लाया और इसमें इंडियन मार्केट्स में उसको बेचना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे इंडियन व्यूवर्स को काफ़ी नुकसान हुआ। ठीक, और क्या हुआ, जो इंडियन व्यूवर जो थे उनको अब जो है गुड क्वालिटी में जो रॉ कॉटन जो है उसकी सप्लाई नहीं मिलने की। ठीक है, अब उनको ईस्ट इंडिया कंपनी उनको क्या किया, फोर्स किया, ठीक है, ताकि वो कॉटन जो है अगर रॉ कॉटन उनको खरीदना है वीविंग करने के लिए तो उनको बेताशा कीमत देनी पड़ेगी उसको। ठीक है, इट मीन दैट कि जब रॉ कॉटन की जब जो सप्लाई जो है जब इंग्लैंड के लिए ज़्यादा हुई तो इसके ऑब्वियसली इसके जो प्राइसेस बढ़ गए। अब इंडियन व्यूवर जो है इस पोजीशन में नहीं थे कि वो मुंह मांगे जो है कीमत जो है उसको दे सके। ठीक है, तो अब ये सारा जो नुकसान जो है वो इस जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से जो किसको हो रहा है, इंडियन व्यूवर्स को। ठीक है, बाई द एंड ऑफ 19th सेंचुरी क्या होता है, जो फैक्ट्री जो है इंडिया में जो ईस्ट इंडिया की कंपनी जो है वो प्रोडक्शन शुरू कर देती हैं। ठीक है, और इंडियन मार्केट में जो एक फ्लड की तरह जो है जो मशीन के बने हुए जो गुड्स हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, जो इंडियन की जो वेविंग इंडस्ट्री है वो जो है वो डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो मशीन से जो चीज़ें बनती थी वो बहुत ज़्यादा सस्ती होती थी। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉब्लम फेस बाई कॉटन वीवर्स इन इंडिया। अब जो कॉटन वीवर्स थे जो इंडिया में जो वीविंग का काम करते थे उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम से दो चार होना पड़ा। ठीक है, अब क्या हुआ, दियर एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स। अब जो वो तैयार करते थे हैंड वीविंग करते थे और उसको फिर इंटरनेशनल मार्केट में बेचते थे, लेकिन अब उनका सारा एक्सपोर्ट मार्केट जो कोलैप्स हो गया जब मैनचेस्टर इंडस्ट्री जो है वो सेटअप हुई। ठीक है, अब उनको इंडिया में और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में भी उन्होंने जो है वो मैनचेस्टर गुड जो है उसका
एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। और क्या हुआ, लोकल मार्केट भी खत्म हो गई उनकी, इंडिया में भी अब उनकी चीज़ें नहीं बिकने लगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैनचेस्टर गुड जो है वो इंपोर्ट होने लगी, ईस्ट इंडिया कंपनी उसको इंपोर्ट करने लगी, और यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंपोर्ट करती थी वो चीज़ें जो है बहुत सस्ती होती थी एज कम्पेयर टू हैंड वीविंग। जो इंडियन वीवर्स होते थे उनकी चीज़ें जो है महंगी होती थी, क्यों? क्योंकि वो हाथ से बनाते थे, और मशीन जो है वो एक सिमिलर तरह के जो है कपड़े तैयार करती है और वो बहुत सस्ते होते थे, ठीक है। तो इम्पोर्ट गुड्स वर सो चीप दैट वीवर्स कुड नॉट इजली कम्पीट विद देम। अब जो बाहर से जो चीज़ें आती, जो मैनचेस्टर गुड्स होती थी जो ये इंडिया में लाई जाती थी, वो बहुत सस्ती होती थी और इंडियन वीवर जो है उनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकने लगे, ठीक है। अब क्या हुआ, बाय द 1860 तक जो है वो कुड नॉट गेट सफिशेंट सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन ऑफ गुड्स क्वालिटी। अब जो इंडियंस वीवर्स थे उनको रॉ कॉटन जो है अच्छी क्वालिटी में नहीं मिलने लगा, ठीक है। अब वो सारा कॉटन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कहाँ सप्लाई करने लगी, बाहर, ठीक है, मैनचेस्टर कंपनी को, ठीक है। एज रॉ कॉटन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज, जिस तरह से जो ही जो एक्सपोर्ट जो है रॉ कॉटन का इंडिया से ज़्यादा हुआ, अब इसका जो है वो रॉ कॉटन का जो प्राइस है वो भी बढ़ गई, ठीक है। अब इंडियन वीवर जो है वो खरीद नहीं सकते थे, अब उनको फोर्स करने लगे कि अगर आपको खरीदना है तो आपको डबल जो है वो पे करना होगा, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी क्या हुआ, बहुत सारी जो फैक्ट्री जो है इंडिया में जो है हमने पहले पढ़ लिया कि आर जो है सेटअप हो चुकी थी, ठीक है। अब वो जो है सारी चीज़ें जो है वो मशीन के जरिए जो है वो सारा कॉटन वगैरह के जो कपड़े हैं वो मशीन से तैयार होने लगे, ठीक है, और वो बहुत सस्ते होने और हर एक जो है वो गरीब अमीर जो है इजिली उसको अफोर्ड कर सकता था, ठीक है। अब क्या हुआ, बाय द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी की शुरुआत में जो है यहाँ पे जो है वो इंडिया का जो एक्सपोर्ट जो है वो टोटली डिक्लाइन हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या, डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्री इन इंग्लैंड। अब ये हुआ क्यों, डिक्लाइन क्यों हुआ, इंडिया का जो टेक्सटाइल जो था, जो कॉटन और जो सिल्क जो था जिसका एक्सपोर्ट होता था, अब वो डिक्लाइन क्यों हुआ, डिक्लाइन की जो मेन रीज़न जो थी कॉटन इंडस्ट्री जो इंग्लैंड में सेटअप हो गई, ठीक है। जिस तरह से कॉटन जो ही जो है कॉटन इंडस्ट्री जो है इंग्लैंड में सेटअप हुई, ठीक है, इंडस्ट्रियल जो ग्रुप जो थे उनने क्या किया, वो परेशान थे कि जो बाहर से कंट्रीज के जो इम्पोर्ट जो है जो हैंडीक्राफ्ट जो आता है तो हमारी चीज़ें नहीं बिकेंगी, क्योंकि जितना ज़्यादा इम्पोर्ट होगा तो हमें कंपटीशन फेस करना होगा, ठीक है। तो उनने क्या किया, गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया था कि वो इम्पोर्ट्स के ऊपर क्या लगा दें, जो है बैन लगा दें, और जो है मैनचेस्टर जो गुड्स हैं उसको कोई भी जो है ब्रिटेन में या आउटसाइड ब्रिटेन में कोई भी जो कंपटीशन फेस न करना पड़े, ठीक है। और दूसरा, ग्रोथ ऑफ मिल्स एंड फॉलिंग डिमांड्स। अब जो मिल्स तो बढ़ गई, ठीक है, कॉटन मिल्स वगैरह जो जब सेटअप हुई अब ये तो बढ़ गई, लेकिन डिमांड जो है इसकी कम हो गई, यानी कि जो गुड्स की डिमांड जो है वो कम हो गई, ठीक है। विद ग्रोइंग मिल्स एंड फॉलिंग होम डिमांड्स, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट प्रसूड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स इन इंडियन मार्केट एज वेल। अब जो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने, हमने पहले पढ़ा कि उन्होंने जो है वो माइल किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो यहाँ से हमारी जो मैन्युफैक्चर गुड्स हैं वो इसको यहाँ से लें और इंडियन मार्केट में बेचें। क्यों? क्योंकि इंडियन मार्केट में जो इंडिया में जो पहले जो हैंड जो कॉटन होता था, जो कपड़ा तैयार होता था, वो हैंड वीविंग होता था और वो बहुत महंगा होता था और जो पुअर्स लोग जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या हुआ, जब मैनचेस्टर गुड इंडिया में आने लगे तो हर एक कोई अफोर्ड करने लगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सस्ते दामों में जो है वो अवेलेबल होता था, ठीक है। और थर्ड प्रॉब्लम क्या हुई, टू एज पॉलिसी। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो दो तरह के खेल खेल रही थी, किस तरह के खेल, उन्होंने क्या किया, जो इंडिया से जो बाहर जो एक्सपोर्ट होता था टेक्सटाइल उसके ऊपर हाई टैक्स लगा दिए, और जो बाहर से जो इम्पोर्ट किया जाता था उसके ऊपर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। ये इसलिए ताकि जो इंडियन जो एक्सपोर्टर हैं, जो इंडियन वीवर्स हैं, इनकी मार्केट ख़त्म हो जाए और जो मैनचेस्टर जो कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है थ्रू मशीन से, इसकी जो मार्केट जो इंडिया में बन जाए। थैंक यू।